कोरोना से अछूते रीवा में कोरोना ने दस्तक दे दी है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिंघल कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इस सूचना ने पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे इलाके को क्वारंटाइन घोषित कर दिया है और उनके घर और नर्सिंग होम को सील कर दिया है। डॉक्टर के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। फिलहाल राहत भरी खबर ये है कि डॉक्टर सिंघल की पत्नी की पहली कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। रीवा में डॉक्टर राजेश सिंघल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके घर के सदस्यों को क्वारंटीन करने के साथ ही घर व नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। फिलहाल डॉक्टर सिंघल दिल्ली में ही हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेश सिंघल फरवरी महीने में कैंसर का इलाज करवाने के लिए दिल्ली गए थे, जहाँ से 13 अप्रैल को वापस लौट कर आ गए। उस समय उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन 21 अप्रैल को वो जब एक बार फिर से दिल्ली इलाज के लिए पहुंचे तो वहां जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। वहीं अब उन लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है जो इस बीच उनके संपर्क में आए थे। पुलिस को जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने नर्सिंग होम में मरीजों को देखा भी था, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस द्वारा सभी को एहतियातन होम क्वारंटीन होने की सलाह भी दी गई है। सिंघल यहाँ पे इंदिरा नगर में आपके निवासी हैं और आप फरवरी के महीने में बीमारी के कारण दिल्ली गए थे और फिर दोबारा 13 तारीख को 13 अप्रैल को आप यहाँ वापस आए थे रीवा में, और रीवा में 7 दिन का आपका प्रवास था। 20 तारीख को आप पुनः वापस दिल्ली चले गए थे। ये पता चला है कि दिल्ली में आपका 24 तारीख को टेस्ट कोरोना का किया गया था, जो 25 तारीख को यानी आज सुबह खबर मिली है कि वो पॉजिटिव आया है। यानी कि ये बात की संभावना है कि वो पॉजिटिव रहे हों, जब वो यहाँ 7 दिन उनका जो प्रवास यहाँ पे रहा है रीवा में। तो सुरक्षा की दृष्टि से अभी यहाँ रीवा ज़िले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन एक संभावना जिसको हम कहते हैं बन जाती है कि जो लोग आपके परिवार में आपके साथ रहे थे या जो लोग आपको अटेंड करते थे बीमारी में, जो लोग ध्यान रखते थे घर में, और जो लोग नज़दीकी हों, जो उनसे मिले हों लंबे समय के लिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।